Hi friends, this is the Sasti Guru and I welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to study class 10th geography chapter 4, that is agriculture. इस चैप्टर में ऑलरेडी एक जो लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है. अभी जो है आपका सेकंड लेक्चर होने जा रहा है. आप निकालो पेज नंबर 36 आपकी ज्योग्राफी की बुक, क्योंकि जो लोग भी पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मेरे साथ पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक और पेंसिल मस्ट है. और जिन्होंने भी इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, बेहतर हो कि वो चीज़ आप देख लो. उस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़े हैं और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का. उसके बाद अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन से उसके बारे में इन ब्रीफ हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ से ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ना ही हमें उतनी ज़्यादा आवश्यकता है उस चीज़ की. सो लेट्स बिगिन, हम लोग देखते हैं हमारे मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं राइस के बारे में. पहला कौन सा होगा? राइस. चलिए भाई राइस के बारे में पढ़ते हैं. तो आप मुझे ज़रा कमेंट करके इसमें से कितने लोग अभी बता सकते हैं कि राइस जो है किस में आएगा, खरीफ में आएगा, रबी में आएगा या फिर जैद में आएगा. पैडी हम लोग एक एग्जांपल देखे थे किसी में, तो जल्दी से मुझे यहाँ कमेंट करके बताओ. और तब तक मैं यहाँ आपको बता दूँ कि राइस जो है बेसिकली आपका एक खरीफ जो है इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, तो और साथ साथ कहता है कि यह स्टेपल फूड है हमारे इंडिया के मेजोरिटी ऑफ पीपल का. हम सब जो है जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से चावल जो है वो कंज्यूम करते ही हैं. और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं हम लोग चाइना के बाद. और खरीफ क्रॉप है लिक्विडिया, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, 25 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल भी जो है 100 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए. तो आपके लिए काम की चीज़ है, खरीफ क्रॉप अंडरलाइन करो, टेम्परेचर हाई होना चाहिए ये अंडरलाइन कर लो, और हाई रेनफॉल होना चाहिए ये अंडरलाइन कर लो. ये हमारे लिए ज़रूरी है इस टॉपिक में. ठीक है, अब कहता है जहाँ रेनफॉल लेस होगा वहाँ कैसे हम लोग कर सकते हैं. तो कॉमन सेंस के ऊपर ही चीज़ है, जहाँ लेस रेनफॉल होगा वहाँ हमें इरीगेशन के सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, उसकी मदद से हम लोग खेती कर सकते हैं. और बेसिकली कहता है कि राइस की जो खेती है वो प्लेन रीजन में की जाती है, मैदानी इलाकों में किया जाता है. जैसे कहता है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है, ठीक है, जो भी हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है, इस रीजन में हमारा यहाँ पे बेसिकली राइस की खेती की जाती है. ठीक है ना, एंड डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरीगेशन एंड ट्यूबवेल हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. अभी कहते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी चावल की खेती हो रही है. तो किस वजह से हो रहा है? वहाँ बारिश कम होता है लेकिन वहाँ कैनल का जो सिस्टम है, कैनल इरीगेशन होता है वहाँ. ठीक है, डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल है वह, काफ़ी ज़्यादा नहरों की खुदाई की गई है जिसकी वजह से पानी जो है आसानी से पहुंच जाता है फील्ड्स तक. इस वजह से इन रीजन में भी राइस की खेती अब काफ़ी हद तक पॉसिबल हो गया और काफ़ी हद तक लोग इसकी खेती कर भी रहे हैं. सेकंड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वीट. ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप हो जाता है, ठीक है, हमारे इंडिया के लिए. और मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में. हमारे नॉर्थ इंडिया में तो मतलब रोटी के बिना काम ही ना चले, मतलब जब तक गेहूं ना हो तो फिर आटा ना मिले, और उसके अलावा उससे कितनी सारी रेसिपीज और क्या क्या बनता है वो हम सबको पता है. और सबसे बड़ा चीज़ अब इसमें याद रखने वाला, अभी हम लोग राइस के बारे में पढ़े कि ये क्या है, खरीफ है. ये वीट जो है किस में आता है? रबी में आता है. ठीक है, रबी क्रॉप है, अंडरलाइन कीजिएगा, दिस रबी क्रॉप्स. ये हो गया, तो ये रबी क्रॉप हो गया एक चीज़ इसके बारे में. दूसरा कहता है रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए. और राइपनिंग, जब ये पके उस समय ब्राइट सनशाइन होना चाहिए. गेहूं के फसल को पकने के लिए, उसकी बालियां जो है उसके पकने के लिए क्या होना चाहिए? धूप मिलना चाहिए, वरना ये पकेगा नहीं. ठीक है, और रेनफॉल की बात करें तो एनुअल रेनफॉल 70 से 75 सेंटीमीटर मिल गया, 50 से 70 सेंटीमीटर मिल गया तो वो एनफ है. ठीक है, और दो ही इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन है हमारे इंडिया में, अंडरलाइन कीजिएगा, द गंगा सतलज प्लेन एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ द डेक्कन. ठीक है, गंगा सतलज प्लेन मतलब सतलज नदी इधर जो जा रहा है, और जो गंगा रिवर के द्वारा जो इधर प्लेन बनाया गया है ये हो गया. और आपका डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है मैप पे देखो, ये रीजन है जहां पे वीट की खेती की जाती है. ठीक ना,
And the major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. ये आप तो बस ऐसे ही ध्यान रहने वाला, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, सबको ये चीज़ याद रखता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलेट्स की. थर्ड नंबर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो गया, मिलेट. चलिए देखते हैं मिलेट के बारे में. इसमें कहता है ज्वार, बाजरा और रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जो कि ग्रो किए जाते हैं. रागी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा मोटा अनाज होता है और काफ़ी हेल्दी. एंड दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. अंडरलाइन कीजिएगा इस चीज़ को. ये जो है ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं, इस वजह से इसमें न्यूट्रिशन की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. जैसे एग्जांपल के लिए कहता है कि रागी में काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और साथ साथ रफेज भी होता है. ठीक, ज्वार की बात करें तो तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है हमारे इंडिया में प्रोडक्शन के मामले में. एरिया जो कवर किया गया है प्रोडक्शन में, चावल और गेहूं के बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है, ज्वार आता है. ठीक है, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा. और ज्वार की बात करें तो कहता है इट इज़ अ रेनफेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरीगेशन. रेनफेड क्रॉप है मतलब बारिश जहाँ होती है उसी रीजन में इसकी खेती की जाती है, इसलिए बाहर से इसको इरीगेट करने की आवश्यकता हमें नहीं है. एंड महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार फॉलोड बाई कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. सबसे बड़ा ज्वार का प्रोड्यूसर कौन है, महाराष्ट्र, उसके कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्टेट्स आ जाते हैं. बाजरा की बात करें तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा. ये अच्छा किसके उगता है, तो सैंडी सॉइल और जो सैलो ब्लैक सॉइल है उससे बाजरे की खेती की जाती है. और राजस्थान जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है. रागी की बात करें तो ये जो है ड्राई सूखे रीजन का एक अनाज है. और ये कहाँ पे होता है, तो रेड और ब्लैक सॉइल और सैंडी लोमी और ब्लैक सॉइल पे इसकी खेती की जाती है. कौन कौन से रीजन में होता है, तो कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके अलावा तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी बहुत इसकी खेती की जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेज की. मकई, ठीक है ना, मक्का, भुट्टा. तो कहता है इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज एज बोथ फूड एंड फॉडर, खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और फॉडर चारा के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. और ये क्या है, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है. ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है हमारा मेज. थर्ड नंबर क्या है, तो ये क्या है, खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना. और टेम्परेचर की बात करें तो इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड ग्रोज वेल ऑन अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल पे ये काफ़ी अच्छा ये इसका उपज होता है. इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो. बिहार में ये रबी सीजन में भी, मतलब खरीफ और रबी दोनों में आ गया. हमारे यहाँ बिहार में जाड़े में भी जो है मक्का जो है मिलता है और भुट्टा खाने में बड़ा मज़ा आता है इस टाइम पे. और इसमें कहता है कि मॉडर्न इनपुट मेथड जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर और इरीगेशन की वजह से कहता है कि प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है मेज का. कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो वो है कर्नाटका, UP है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है. इन सब राज्यों पे काफ़ी ज़्यादा खेती इसकी होती है. तो देखिए यहाँ में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि किसमें आता है, खरीफ और रबी दोनों में होता है. बिहार जैसे राज्यों में रबी में भी ये होता है. इसके अलावा मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और इसका प्रोडक्शन किस वजह से बढ़ा है, तो HYV सीड्स का इस्तेमाल करके इसका प्रोडक्शन हम लोग काफ़ी हद तक बढ़ा चुके हैं. ठीक है, चलिए पल्सेस दाल के बारे में बात करते हैं. तो दाल के बारे में बात करें तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है. सबसे ज़्यादा हम ही लोग प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम भी हम ही लोग सबसे ज़्यादा करते हैं पूरे विश्व में. एंड दीज आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन. जितने भी शाकाहारी लोग हैं जिन्हें चिकन ना पसंद है, क्या बताऊँ यार कैसे तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा रहे हो, जिन्हें भी चिकन ना पसंद है दाल पिया करो, है ना, तुम्हारे लिए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा. एंड मेजर पल्सेज डेट आर ग्रोन इन इंडिया, कौन कौन से पल्सेज हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं, तो अरहर हो गया जो सबसे कॉमन हो गया, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पी है और ग्राम है, ठीक है ना. और कहता है कि पल्सेज जो है इनको मॉइस्चर की, मतलब कम मॉइस्चर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं ड्राई कंडीशन में. लेगुमिनस क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, तो लेगुमिनस क्रॉप हैं और बींग लेगुमिनस क्रॉप ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी.
by fixing nitrogen from the air. अरहर के अलावा जो भी है वो leguminous crop है और nitrogen fixation करके soil की fertility को बढ़ाने में काफ़ी हद तक help करते हैं. Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. अक्सर जो लोग जिनका मतलब agricultural background से जो बच्चे होंगे वो देखे होंगे कि farm में जो है अक्सर कभी खबर क्या कहता है, दो तीन साल पे एक बार दाल की खेती कर दी जाती है ताकि नाइट्रोजन का जो है एक तरीके से कही कि बैलेंस जो है बना रहे, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, दाल मतलब एक साल का लगभग ये फसल होता है. ठीक है, मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया और कौन कौन से राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है. तो फ्रेंड्स ये था हमारा अभी का टॉपिक. अब इसका जो नेक्स्ट होगा अभी जस्ट इसके बाद मैं शूट करने वाला हूँ वो होगा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स और लास्ट जो टॉपिक हो जाएगा हमारा नॉन फूड क्रॉप्स जो हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि जिन्होंने भी सिलेबस देखा होगा उन्हें मैं उनके लिए तो बेहतर है. जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ कि इस चैप्टर में आपको पेज नंबर 43 तक ही पढ़ना है. भूदान जो टॉपिक होगा वो आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो सिलेबस में शामिल है. उसके बाद के जो दो तीन पेजेस हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रेलिवेंट नहीं है. ठीक है तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का वीडियो, आपके आपके वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले और सृष्टि गुरु चैनल के साथ बने रहे ऐसे ही चैप्टर्स को पढ़ने के लिए. थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय.